तो दोस्तों सब्सक्राइब करिए हमारे रैपिड चेक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए जिससे आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल अपडेट्स मिलते रहें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू रैपिड चेक चैनल, जहां पे आपको मिलेंगे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल अपडेट्स। तो आज हम खड़े हैं महिंद्रा की फुल साइज SUV के सामने, जिसका नाम है महिंद्रा ऑल्टुरस G4। तो आप ये जो गाड़ी देख रहे हैं, ये कॉम्पीट करती है टोयोटा फॉर्च्यूनर और फोर्ड एंडेवर को। फोर्ड एंडेवर की वीडियो मैं आपको पहले ही बना के दिखा चुका हूँ, तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो जाके देख लीजिएगा, कार्ड आ जाएगा आपके पास। अब इस गाड़ी के बारे में बात की जाए तो इस गाड़ी में आपको ऐसे ऐसे फीचर्स देखने को मिलेंगे जो शायद ही किसी और गाड़ी में मिले इस सेगमेंट के अंदर। आप ये जो गाड़ी देख रहे हैं, ये टोयोटा फॉर्च्यूनर से भी सस्ती है। अगर टोयोटा फॉर्च्यूनर का टॉप एंड वेरियंट देखा जाए और इसका टॉप एंड वेरियंट को कंपेयर किया जाए, तो इसमें फ़ीचर्स ज़्यादा हैं और कम प्राइस में। तो देखते हैं क्या ये गाड़ी इंडियन रोड्स पे क्या उतनी सक्सेसफुल हो पाती है कि नहीं हो पाती है, और हम ये भी देखेंगे क्या जो टोयोटा फॉर्च्यूनर है उसको बीट कर पाती है कि नहीं, क्योंकि टोयोटा फॉर्च्यूनर किंग है इंडियन रोड्स की। तो चलिए इस गाड़ी का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी की तरफ देख लेते हैं। तो ये है महिंद्रा ऑल्टुरस G4 की नई की, काफ़ी स्टाइलिश की बनाई गई है। यहाँ से खुल जाएगा, कीलेस एंट्री है इसके अंदर। 3 फंक्शंस अवेलेबल हैं, लॉक, अनलॉक और होल्ड टू बूट। आप इसे डायरेक्टली बूट ओपन कर सकते हैं। चलिए गाड़ी की तरफ देखते हैं। आप ये देख रहे हैं महिंद्रा की नई ऑल्टुरस G4। दो वेरिएंट्स में ऑल्टुरस G4 आती है, एक है 2-व्हील ड्राइव और एक है 4-व्हील ड्राइव। दोनों ही ऑटोमेटिक में आते हैं। और आप ये जो वेरिएंट देख रहे हैं, टॉप एंड 4x4 ऑटोमेटिक वेरिएंट है। चलिए गाड़ी का फ्रंट देख लेते हैं एक बार। तो ये है इसके नए फुल HID प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विद DLLs। साथ में आपको यहाँ पे ब्लैक फिनिश दिखेगी, यहाँ पे फॉग लैम्प्स, LED फॉग लैम्प्स। इसमें सारी जितनी भी लाइट्स इस गाड़ी के नए हैं वो सारी LED लाइट्स हैं। यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश देखने को मिल जाएगी गाड़ी के लोअर में। तो आप गाड़ी को देख सकते हैं, ये फुल साइज़ SUV है और कितनी जाइंट लगती है ये देखने में। अब यहाँ से दूसरी हेडलैम्प्स को देख सकते हैं गाड़ी के। हेडलैम्प्स का मैं फंक्शन बता दूँ, ये ऑटो हेडलैम्प्स हैं, साथ में स्पीड सेंसिटिव हेडलैम्प्स भी हैं ये। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको गाड़ी की साइड प्रोफाइल एक बार दिखा देता हूँ। तो ये है महिंद्रा ऑल्टुरस की R18 एलॉय व्हील्स, जो कि डायमंड कट एलॉय व्हील्स हैं। चारों व्हील्स में आपको डिस्क ब्रेक्स अवेलेबल हो जाएंगे इस गाड़ी के अंदर। 5 कलर्स में ये गाड़ी आती है। आप ये वाइट कलर देख रहे हैं और आप ये गाड़ी को देख सकते हैं साइड से, कितनी बड़ी गाड़ी है। डायमेंशन आपको आपके स्क्रीन पे मेंशन हो जाएंगे। ये आप इसके देख रहे हैं इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल OVMs विद टर्न इंडिकेटर्स। नीचे भी आपको लाइट अवेलेबल हो जाएगी यहाँ पे। यहाँ आप क्रोम फिनिश देख रहे हैं गाड़ी के चारों तरफ। यहाँ बी पिलर को ब्लैकआउट किया गया है। आप एक क्रोम हैंडल्स देख रहे हैं, क्रोम फिनिश के हैंडल्स हैं ये। साथ में लॉक एंड लॉक के लिए बटन मिल जाएगा आपको यहाँ पे। इस साइड ऊपर आपको रूफ रेल्स देखने को मिल जाएगी गाड़ी के। लीटर्स इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। यहाँ भी आप देख सकते हैं इसका रियर टायर 18-inch अलॉय व्हील से डायमंड कट। यहाँ से आप इसकी बैक प्रोफाइल को देख सकते हैं गाड़ी के। यहाँ पे आपको स्पॉइलर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर ऊपर एंटीना देख सकते हैं। यहाँ पे LED रियर टेल लैम्प्स। मैं दोस्तों पहले ही बता चुका हूँ, इस गाड़ी के अंदर सारी जो लाइट्स हैं वो LED लाइट्स हैं। साथ में रियर विंडो वाइपर मिल जाएगा। यहाँ पे आप क्रोम फिनिश देख सकते हैं गाड़ी के अंदर। यहाँ महिंद्रा का लोगो, यहाँ पे ऑल्टुरस G4 की बैजिंग भी देख सकते हैं आप। इस साइड से भी क्रोम का अच्छा फिनिश हुई हुई है। यहाँ पे 4-व्हील ड्राइव की बैजिंग भी है। तो यह गाड़ी के बैक प्रोफाइल का लुक। तो दोस्तों, इस गाड़ी के बारे में मैं आपको बूट का बहुत यूनिक फीचर बता देता हूँ। इसके अंदर आपको कोई भी बटन या की ज़रूरत नहीं है इसका बूट ओपन करने के लिए। आप डायरेक्टली बूट के पास जाएंगे, खड़े होंगे और अपने आप इसका बूट, मैंने कोई भी बटन नहीं दबाया है, इसका अपने आप बूट ओपन हो जाएगा।
और साथ में इसका जो बूट है वो हाइट एडजस्टेबल है। आप इस साइड चाहते हैं लॉन्ग प्रेस करके रखिए इसको, दो बार आएगा, अगली बार इतना ही बूट खोलेगा। साथ में अगर आप इस बटन को दबा दीजिएगा तो बूट अपने आप ऑन नीचे आ जाएगा। साथ में एंटी पिंच भी है, अगर आप इसमें हाथ रखेंगे तो ये अपने आप ऊपर हो जाएगा। अब यहाँ से इसका अंदर से बूट भी देख सकते हैं। और दोस्तों आप ये जो सीट्स देख रहे हैं ये फोल्ड हो जाएंगे, आप इसको ऐसे खींच सकते हैं और ये नीचे चली जाएंगी। यहाँ भी आप देख सकते हैं जो थर्ड रो है उनके लिए भी एसी ब्लोअर्स मिल जाएंगे। इस साइड पे एलईडी लाइट्स मिल जाएंगी, तीनों रो में आपको एलईडी रीडिंग लैंप्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आप फिर से इस बटन को प्रेस करके इसका बूट ऑटोमेटिक डाउन कर सकते हैं। इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी अच्छा है। चलिए गाड़ी के अंदर चल के देखते हैं और देखते हैं क्या क्या फीचर्स महिंद्रा ने अपनी ऑल्टो एस G4 में दिए हैं हमें। तो हमने की गाड़ी अनलॉक, तो आप एक गाड़ी का बैक पैसेंजर डोर देख सकते हैं। इसके अंदर आपको प्रीमियम लेदर इंटीरियर्स मिल जाएंगे। आप ये जो लेदर देख रहे हैं ये नापा लेदर इंटीरियर्स हैं जो कि काफ़ी हाई क्वालिटी प्रीमियम लेदर इंटीरियर्स कहलाते हैं और ये बहुत हाई एंड गाड़ियों में आते हैं। ये आप देख सकते हैं रियर डोर, यहाँ आपको लाइट्स देखने को मिल जाएंगी, बॉटल होल्डर्स। ये जो फिनिश देख रहे हैं आप, लेदर फिनिश है, ये स्टिच फिनिश है जो काफ़ी अच्छा है। ये बेंटले में लुक आता है टैन लेदर में, आप इसके अंदर भी देख सकते हैं। यहाँ पे स्टिचिंग की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे ऑटोमेटिक पावर विंडो है, वन टच पावर विंडोज़ हैं। आप एक बार दबाइएगा, ये नीचे ऊपर हो सकती हैं। यहाँ पे आपको सिल्वर डोर हैंडल्स मिल जाएंगे, क्रोम्ड आउट डोर हैंडल्स हैं। तो दोस्तों अगर आपको इस गाड़ी में पीछे वाली रो में जाना है तो आपको यहाँ से इस चीज़ को लिफ्ट करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे एक बटन होता है, उसको दबाइए और ये ऊपर अपने आप चली जाएगी। चलिए हम इसको ऊपर कर देते हैं। ऐसे आप दोस्तों थर्ड रो में जा सकते हैं। तो ये आप गाड़ी का इंटीरियर देख सकते हैं, बहुत ही फाइन और प्रीमियम इंटीरियर्स हैं इस गाड़ी के। चलिए गाड़ी के अंदर चल के देखते हैं। गाड़ी की हाइट काफ़ी अच्छी है, यहाँ भी आपको सपोर्ट मिल जाएगा बैठने के लिए। तो हम आ गए महिंद्रा की ऑल्टो एस G4 के अंदर और तीन लोगों के हिसाब से इसका लेगरूम भी काफ़ी अच्छा है क्योंकि इसमें थर्ड रो भी मिल जाएगी, तो काफ़ी ह्यूज गाड़ी है। डायमेंशन आपको पहली स्क्रीन पे मेंशन हो चुके हैं। यहाँ पे आपको कोट हैंगर देखने को मिल जाएगा। अगर दोस्तों इस गाड़ी की हाइट के बारे में बात करूँ तो हाइट काफ़ी अच्छी है इस गाड़ी की। इस गाड़ी के अंदर भी आपको सनरूफ मिल जाएगी जैसे कि फोर्ड एंडेवर में आपको मिलती है। टोयोटा फॉर्च्यूनर के अंदर ये फीचर मिसिंग है और बहुत जल्दी आना चाहिए। यहाँ पे आप रियर एसी वेंट्स देख रहे हैं, यहाँ पैसेंजर अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं इसे, इसकी ब्लोअर को। जो कि काफ़ी प्रीमियम लुक देते हैं गाड़ी को। यहाँ आप इसका सेंटर आर्मरेस देख सकते हैं जो कि काफ़ी अच्छा है। काफ़ी अच्छी स्टिचिंग भी हो रखी है यहाँ पे दोनों साइडों पे, ये भी बहुत प्रीमियम लुक देता है गाड़ी को। फुल लेदर इंटीरियर्स हैं इस गाड़ी में। यहाँ भी आपको एलईडी रीडिंग लैम्प मिल जाएगा। तो दोस्तों ये है महिंद्रा ऑल्टो एस G4 का डैशबोर्ड। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है पीछे से ये। हम आगे चल के देखेंगे और देखेंगे क्या क्या फीचर्स महिंद्रा ने अपनी ऑल्टो एस G4 में हमको प्रोवाइड किए हैं। आप देख सकते हैं फुल लुक इस गाड़ी का एक बार, कितने अच्छे से इसके इंटीरियर्स को बनाया गया है। आपको ऐसा लगेगा कि आप मर्सिडीज़ की किसी GL SUV में बैठे हुए हैं। ये गाड़ी मर्सिडीज़ से बहुत एक इम्पॉर्टेंट फीचर अडॉप्ट करती है, मैं आपको उसके बारे में ही बताऊँगा। चलिए गाड़ी के आगे चल के देखते हैं। यहाँ भी आपको बटन मिल जाएगा। तो ये है इसकी 8-way पावर एडजस्टेबल सीट्स विद मेमोरी फंक्शंस। यहाँ पे आप मेमोरी फंक्शन देख सकते हैं सीट्स के। यहाँ पे आप क्रोम फिनिश देख सकते हैं हैंडल्स पे। चारों पावर विंडोज़ हैं, ऑटोमेटिक हैं। ये बहुत कम गाड़ियों में ऐसा फीचर आता है, बहुत छोटा फीचर है लेकिन फिर भी बहुत कम गाड़ियों में आता है ये। एक्सटीरियर OVMs कंट्रोल्स, यहाँ लॉक एंड अनलॉक फीचर और पावर विंडो चाइल्ड लॉक।
यहाँ भी आप देख सकते हैं प्लास्टिक नहीं है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा लेदर टाइप का लुक दिया गया है यहाँ पे, ये गाड़ी को बहुत ही प्रीमियम फील देता है। यहाँ भी आपको दो बॉटल होल्डर्स का स्पेस मिल जाएगा। और दोस्तों मैं आपको खासियत बता दूं कि जब आप गाड़ी के अंदर एंटर करते हैं तो उसकी सीट अपने आप पीछे हो जाती हैं, और जब गाड़ी को बंद करते हैं तो सीट अपने आप आगे हो जाती हैं, जो कि ऑडी A8L का फीचर भी है। यहाँ पे आप ऑटोमेटिक पावर एडजस्टेबल सीट देख सकते हैं, सीट्स आगे पीछे भी हो सकती हैं, टिल्ट भी हो सकती हैं यहाँ से। तो ये आप डैशबोर्ड देख रहे हैं महिंद्रा ऑल्टो G4 का। चलिए गाड़ी के अंदर चल के देखते हैं। यहाँ पे आपको स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाएगा। चलिए गाड़ी को ऑन कर लेते हैं। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं 17.78 सेंटीमीटर LCD TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। यहाँ पे आपको एक तरफ स्पीडोमीटर मिल जाएगा, एक तरफ RPM मीटर मिल जाएगा, और जो सेंटर में आप देख रहे हैं इसमें आप गाड़ी के सारे इन्फॉर्मेशन को अवेल कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल से। यहाँ पे आप गाड़ी के सारे फीचर्स के बारे में देख सकते हैं, डैशबोर्ड लाइटिंग, डैशबोर्ड लैंग्वेज, डोर एंड टेलगेट, सब के बारे में आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आपको ऑटो लॉक करना है फीचर्स, और भी आपको सारे फीचर्स, कन्वीनियंट फीचर्स, साउंड, लाइट्स, यहाँ से आप गाड़ी की लाइट्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ऑटो अप्रोच, हेडलैम्प्स भी है, अप्रोच लैम्प भी है, कमिंग होम, लिविंग होम, आपको सारे फीचर जो एक प्रीमियम SUV के अंदर मिलते हैं वो सब आपको मिल जाएंगे। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम सब आपको यहीं से आप देख सकते हैं। यहाँ से इसको आप चेंज भी कर सकते हैं टायर प्रेशर। आप यहाँ से स्पीडोमीटर भी देख सकते हैं, कितना अच्छा स्पीडोमीटर आपको देखने को मिल जाएगा इसके अंदर। यहाँ आपको FM के सारे कंट्रोल्स मिल जाएंगे, जो भी आप FM, AUX, ब्लूटूथ, जो भी आप जिस पे भी गाड़ी चला रहे हैं आपको सारे फंक्शंस मिल जाएंगे। तो ये है इसका 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील। यहाँ पे आपको वॉइस कमांड्स मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको ट्रैक चेंज और जितने भी ऑडियो मॉनिटर कंट्रोल्स हैं वो सारे मिल जाएंगे। इस साइड आपको क्रूज़ कंट्रोल देखने को मिल जाएगा, यहाँ से आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर चेंज कर सकते हैं। ये आपको वाइपर कंट्रोल्स मिल जाएंगे, ऑटोमेटिक वाइपर्स हैं, स्पीड सेंसिंग वाइपर्स भी इसके अंदर दे रखे हैं, साथ में रेन सेंसिंग वाइपर्स तो हैं इस गाड़ी के अंदर। यहाँ पे आपको लाइट के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, LED DLs और HID प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स के कंट्रोल्स। तो ये आप देख रहे हैं 20.32 सेंटीमीटर टच स्क्रीन डिस्प्ले। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ उसका टच स्क्रीन जो है काफ़ी अच्छा है। अगर यहाँ पे फ़ोन के कंट्रोल्स देख सकते हैं, यहाँ पे आप मोड्स देख सकते हैं, क्या क्या मोड्स हैं इसमें, AUX, MP3, Android Auto, Apple CarPlay, MirrorLink, iPod, सब कनेक्टिविटी इसमें आपको मिल जाएगी, नेविगेशन सिस्टम सब कुछ इसके अंदर मिल जाएगा। ये SD कार्ड रीडर, आपको यहाँ से इसको ओपन करें तो यहाँ से आप SD कार्ड भी डाल सकते हैं, और इस साइड आपको AUX और USB का पोर्ट भी मिल जाएगा। ये आपको सिगरेट लाइटर का पोर्ट मिल जाएगा, इस साइड आपको ASHRAE मिल जाएगी सिगरेट लाइटर के साथ। तो ये एक जो सिगरेट लाइटर का फीचर है ये प्रीमियम गाड़ियों में आता है। यहाँ से भी आप इसकी वॉइस को म्यूट कर सकते हैं। दोस्तों ये आप इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख सकते हैं। चलिए मैं आपको एक सॉन्ग प्ले करके दिखा देता हूँ उसके अंदर। इसमें आपको 4 स्पीकर्स और 2 ट्विटर्स मिल जाएंगे, लेकिन आप विश्वास नहीं करोगे इनकी जो साउंड क्वालिटी है वो जो आप बाकी साउंड सिस्टम में देखते हैं इसके अंदर 8 स्पीकर या 10 स्पीकर आते हैं उनसे भी काफ़ी अच्छी है। जो आप बेस का प्रोडक्शन देख रहे हैं, वोकल जो इस गाड़ी का आप स्टीरियो सिस्टम देख रहे हैं वो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आपको ट्विटर्स देखने को मिल जाएंगे, नीचे आपको स्पीकर्स देखने को मिल जाएंगे। 4 स्पीकर्स हैं डोर पे और 2 ट्विटर्स आगे की तरफ लगे हुए हैं। इस साइड आपको क्रोम फिनिशिंग मिल जाएगी AC वेंट्स पे। यहाँ पे आप जो लेदर देख रहे हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये बेंटले स्टाइल लेदर है। और ये आप AC कंट्रोल्स देख रहे हैं, यहाँ पे पार्किंग लाइट के कंट्रोल्स हैं, यहाँ रियर डिफॉगर, फ्रंट डिफॉगर कंट्रोल्स मिल जाएंगे। ड्यूअल जोन क्लाइमेटिक कंट्रोल AC है, साथ में क्लस्टर आयनाइजर भी दिया गया है जो कि एयर को क्लीन करने के काम आता है। तो आप ये रियर AC देख सकते हैं, ऑटोमेटिक AC, ये इस साइड के पैसेंजर के लिए, जो ड्राइवर साइड है ये को ड्राइवर साइड के लिए, दोनों के लिए सेपरेट AC आपको मिल जाएगा जो ड्यूअल जोन AC है। ये इसका ग्लोव बॉक्स, इसको आप लॉक भी कर सकते हैं यहाँ से की से। साथ में आपको यहाँ पर थोड़ी वुडन फिनिश देखने को मिल जाएगी जो गाड़ी को काफ़ी प्रीमियम लुक भी देती है। आप इस साइड का डोर भी देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ आपको पावर आउटलेट मिल जाएगा 12 वोल्ट का।
तो दोस्तों मैंने आपको एक चीज़ बताई थी इसके अंदर, वो ये थी कि मर्सिडीज़ बेंज से एक ये चीज़ अडॉप्ट करती है, वो है इसका ट्रांसमिशन गियरबॉक्स। तो ये इसका मर्सिडीज़ बेंज 7 स्पीड ट्रांसमिशन गियरबॉक्स, 7 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गियरबॉक्स है। जो मर्सिडीज़ अपनी गाड़ियों में 7 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गियरबॉक्स लगाती है, वही सेम गियरबॉक्स आपको महिंद्रा ऑल्टोस G4 में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों इसके अंदर मैं आपको ये बता दूँ, ये 360 कैमरा मिल जाएगा इसके अंदर आपको, आप चारों तरफ से गाड़ी को पार्किंग करते टाइम देख सकते हैं। मैं अभी आपको आगे जाके दिखाऊंगा कि इसके अंदर आगे भी कैमरे लगाए, साइडों में भी कैमरे लगे, चारों तरफ इसको कैमरे मिल जाएंगे, 360 व्यू पूरा मिल जाता है आपको, तो जो कि पार्किंग में काफ़ी अच्छा आपको सपोर्ट भी देगा। अब यहाँ देख सकते हैं कितने अच्छे से इसका प्लेसिंग किया गया है हर चीज़ का। यहाँ पे आप ये 4-व्हील ड्राइव देख सकते हैं, ये 2-व्हील ड्राइव है, ये 4-व्हील ड्राइव है, 4L ड्राइव है। 4L ड्राइव का मतलब ये है कि जैसे कभी ऊबर खाबड़ प्लेन आ जाता है तो 4-व्हील ड्राइव में चलेगी, साथ में सस्पेंशन इसका काफ़ी अच्छा हो जाएगा। यहाँ से आप इसको किसी भी मोड में इसको डाल सकते हैं। यहाँ आपको पार्किंग ब्रेक मिल जाएगा, यहाँ पे ऑटो होल्ड। अगर दोस्तों इसके हिल होल हिल कैपेसिटी की मैं बात की जाए, हिल होल हिल डिसेंट इन सब की मैं बात की जाए, तो यहाँ भी आपको देखने को मिल जाएंगे फीचर्स। तो अब यहाँ देख सकते हैं ट्रैक्शन कंट्रोल है, ये हिल डिसेंट कंट्रोल है, यहाँ पे आप डायरेक्टली बूट ओपन कर सकते हैं, ये पार्किंग के लिए है। और यहाँ पे हेडलाइट एडजस्टर है, आप हेडलाइट्स को जो उसकी फ्रंट हेडलैम्प्स है प्रोजेक्टर HID हेडलैम्प्स है, इनको वहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ये इसका 360 व्यू कैमरा, तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे इसका 360 व्यू कैमरा देख सकते हैं। ये फ्रंट देख रहे हैं अभी आप, यहाँ से आप लेफ्ट हैंड साइड देख सकते हैं, यहाँ से आप राइट हैंड साइड देख सकते हैं, और यहाँ से आप फ्रंट साइड देख सकते हैं पूरा 360 व्यू में। अभी ये 2D व्यू आ रहा है दोस्तों, अब मैं आपको 3D व्यू में करके दिखाऊंगा इसको। तो यहाँ पे 3D आप टच करिए तो ये आ गया इस गाड़ी का 3D व्यू, आप इस साइड से देख सकते हैं। देखिए कितने अच्छे से आप इसको पार्क कर सकते हैं, अगर इस गाड़ी को आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे 90 डिग्री में व्यू देख सकते हैं आप इस गाड़ी को, यहाँ से 180 डिग्री में देख सकते हैं, 270 डिग्री में देख सकते हैं। तो सारे फीचर्स आपको इसमें मिल जाएंगे। पार्किंग के हिसाब से काफ़ी अच्छी गाड़ी, ये फीचर बहुत ही कम गाड़ियों में आता है, और जो टॉप एंड हाई एंड गाड़ियाँ हैं वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा फीचर। और यहाँ पे आपको सारे फंक्शन मिल जाएंगे, सेटअप फ़ोन वोन वगैरह के सारे फंक्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। ये आपको सेंटर आर्मरेस्ट मिल जाएगा देखने को, जो कि काफ़ी अच्छे लेदर स्टिचिंग में मिल जाएगा आपको देखने को। ये आप इसको ऊपर उठा सकते हैं, अभी आपको थोड़ा स्टोरेज स्पेस मिल जाएगा। तो ये है इसका ऑटो डिमिंग रियर व्यू मिरर, यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर देखने को मिल जाएगा इसके अंदर, यहाँ भी आपको लाइट्स कंट्रोल मिल जाएंगे। ये इसकी सनरूफ, ये ऑटोमेटिक सनरूफ का फंक्शन है, 1 टच ऑपरेटेड सनरूफ है ये। यहाँ भी आपको लाइट कंट्रोल्स मिल जाएंगे, ड्राइवर साइड के लिए अलग, को ड्राइवर के लिए अलग। चलिए इसकी सनरूफ को हम बंद कर देते हैं। दोस्तों आपने पूरी अच्छी तरह से इसका इंटीरियर देख लिया है, तो चलिए गाड़ी के बाहर चल के देखते हैं। और दोस्तों मैं आपको बाहर जाने से पहले एक चीज़ और दिखा देता हूँ, इस गाड़ी के अंदर इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो कितना अच्छा प्लेस है, आप देख सकते हैं ऑन होते टाइम ऐसा हुआ। अगर मैं गाड़ी को बंद कर देता हूँ तो आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, अच्छा साउंड भी आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर मैं एक साइड का डोर जैसे ओपन कर देता हूँ आपका, तो यहाँ पर आपको देखिए दोस्तों देखने को मिल जाएगा। इसको मैं बंद करूँगा, देखिए कितने अच्छे से इसका एक एक चीज़ को बताया गया है। चलिए गाड़ी के बाहर चल के देखते हैं। तो दोस्तों अगर इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की हम बात करें तो ABS EBD 9 एयरबैग, जो कि फर्स्ट इन क्लास है, और किसी गाड़ी में इस रेंज में 9 एयरबैग्स आपको नहीं मिलेंगे। टोयोटा फॉर्च्यूनर फोर्ड एंडेवर की बात की जाए तो अल्ट्रा रिजिड क्वाड फ्रेम पे इस गाड़ी को डिज़ाइन किया गया है, महिंद्रा रेक्सटोन के डिज़ाइन बेसिस पे इस गाड़ी को बनाया गया है। साथ में ESP ARP भी मिल जाएगा आपको, हिल डिसेंट हिल स्टार्ट ट्रैक्शन कंट्रोल आइसोफिक्स फॉर चिल्ड्रन। तो दोस्तों मैं जो आपको गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स के बता रहा हूँ उस हिसाब से इस गाड़ी को NCAP 5-स्टार रेटिंग मिली है कोरिया में, जो कोरियन NCAP रेटिंग टेस्ट है उसके अंदर इसको 5-स्टार रेटिंग मिली है। चलिए दोस्तों सबसे मेन बात इसके प्राइस की बात करें। पहली बात जो मैंने आपको बताई थी कि ये फॉर्च्यूनर से काफ़ी ज़्यादा सस्ती है, तो इसका जो लोएस्ट एंड वेरियंट है 2-व्हील ड्राइव वो है 27.7 लाख का, और जिसका टॉप एंड 4x4 ऑटोमेटिक वेरिएंट है वो है 30 लाख का। तो आप ये गाड़ी की तरफ अच्छे से देख सकते हैं। दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, साथ में चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा जिससे आपको
सारे नोटिफिकेशन इस चैनल का मिलते रहें। दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो, कैसी लगी आपको ये गाड़ी, क्या ये गाड़ी टोयोटा फॉर्च्यूनर को कम्पीट कर सकती है मार्केट के अंदर, कमेंट सेक्शन में